हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सिक्स डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। यहाँ पर हमें जो ये डाटा दिया गया स्टूडेंट्स, इसमें हमें सिक्स डिफरेंट क्लासेस के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए गए हैं। जैसे कि फिफ्थ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 135। सिक्स्थ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 120। सेवेंथ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 95। एट्थ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 100। नाइन्थ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 90। और टेंथ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 80। और हमसे कहा गया कि हमें इस डेटा को बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ए पार्ट में हमसे ये भी पूछा गया स्टूडेंट्स, हाउ वुड यू चूज अ स्केल, यानी कि आप स्केल कैसे चूज करोगे। स्केल क्या होता है, वाई एक्सिस पे जो ये नंबर्स यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें जो हम ये गैप लेते हैं, ये गैप हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कितना गैप लेना है। यहाँ पर हम 1 का गैप भी ले सकते हैं, 2 का गैप भी ले सकते हैं, 10 का गैप भी ले सकते हैं, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पर अगर हम चाहें तो 50 का गैप भी ले सकते हैं, 50, 100, 150, 200। और अगर आप चाहें तो यहाँ 100 का गैप भी ले सकते हैं। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर स्केल यानी ये गैप कैसे लेना है, कौन सा गैप लेना है। तो इसके लिए यहाँ पर आपको ये डाटा चेक करना होगा स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं, 135, 120, 95, 100, 90, 80। तो यहाँ पर अगर हम 10-10 का गैप लेते हैं तो सबसे ज़्यादा सुटेबल रहेगा, क्योंकि उसमें ये सभी नंबर्स इजीली रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने गैप लिया है वो है 10-10 का गैप। देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू थी डाटा में वो 135 थी। तो 135 कहाँ आएगा, 130 और 140 के मिडल में। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 135। तो सबसे पहले हम बार बनाएंगे फिफ्थ क्लास के लिए। यहाँ पर हम फिफ्थ क्लास का ये बार चेक कर सकते हैं, कहाँ तक जा रहा है, 130 और 140 के मिडल, यानी कि 135 तक। तो ये बार क्या शो कर रहा है, फिफ्थ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 135। इसके बाद देखिए सिक्स्थ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 120। तो अब हम यहाँ पर सिक्स्थ क्लास का बार बनाएंगे। सिक्स्थ क्लास का बार देखिए कहाँ तक जा रहा है, 120 तक। तो ये बार शो कर रहा है कि सिक्स्थ क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं। सेवेंथ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 95। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि सेवेंथ क्लास में जो हमने ये बार बनाया है ये कहाँ तक है, देखिए 90 और 100 के मिडल में, 90 और 100 के मिडल में। तो ये दिखा रहा है कि जो सेवेंथ क्लास है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 95, क्योंकि 90 और 100 के मिडल में क्या आता है, 95। इसके बाद देखिए एट्थ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एट्थ क्लास के लिए जो बार हमने ये बनाया है ये देखिए ये 100 तक है, यानी कि ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है कि एट्थ क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद नाइन्थ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 90 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के लिए जो ये बार हमने बनाया है ये कहाँ तक है, 90 तक है, यानी ये बार ये दिखा रहा है कि नाइन्थ क्लास में 90 स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद टेंथ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेंथ क्लास के लिए हमने जो ये बार बनाया है ये कहाँ तक है, 80 तक। तो ये बार ये दिखा रहा है कि टेंथ क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह से हमने इस डाटा को बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखा दिया है। इसके बाद बी सेक्शन के फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, एंड द मिनिमम, और किस क्लास में सबसे कम बच्चे हैं। अब आप चाहें तो इस टेबल में भी चेक कर सकते हैं और चाहे तो बार ग्राफ में भी चेक कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पर जो हैं वो फिफ्थ क्लास में है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्लास में 135 बच्चे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिफ्थ क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फिफ्थ क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। और आप इस डाटा में चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 80, यानी टेंथ क्लास में सबसे कम बच्चे हैं, यानी कि 80।
तो यहाँ पर हमने लिखा टेंथ क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि टेंथ क्लास में सबसे कम बच्चे हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया स्टूडेंट्स फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट, यानी कि हमें रेशियो फाइंड करनी है क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स की और क्लास एट के स्टूडेंट्स की। अब आप इस डेटा में चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि सिक्स क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 120 और एट्थ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 100। अब हम रेशो कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे रेशो इज इक्वल टू, हमें रेशो पता करना है सिक्स क्लास के स्टूडेंट्स का एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स के साथ। तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे सिक्स क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं यानी कि 120 और अपॉन में हम लिखेंगे एट्थ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं यानी कि 100। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जीरो और ये जीरो ये तो आपस में कट जाएंगी। अब 12 और 10 को भी आपस में सोल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों को 2 से काटेंगे। देखिए 2 2 6 दा 12 एंड 2 5 दा 10, तो अब हमें यहाँ पर क्या मिला 6/5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेशो इज इक्वल टू 6/5। अब ये अभी फ्रैक्शन फॉर्म में है और हमें कौन सी फॉर्म में लिखना है, रेशो की फॉर्म में लिखना है। अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे रेशो इज इक्वल टू 6:5, यानी कि सिक्स क्लास के स्टूडेंट्स और एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स की जो रेशो है वो 6:5 है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।